हाय गाइज, वेलकम टू बैक आवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ Realme GT8 5G थीम, जो कि आप किसी भी वीवो स्मार्टफोन पर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। सो गाइज, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता है या थीम अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, अभी वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो गाइज, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता है, थीम अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक चेक कर सकते हैं। सो मैं आपको थीम अप्लाई दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। ऊपर सेटिंग पर चले जाने के बाद डिस्प्ले शो डायरेक्ट हिडन फाइल वाला ऑप्शन इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद स्टोरेज पर चले जाना है। डाउनलोड फोल्डर पर चले जाने के बाद अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग को थीम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा फंटा चॉइस 11 है, मैं फंटा चॉइस 11 वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आपको पासवर्ड देकर एग्जिट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको कट कर स्टोरेज पर चले जाना है। स्टोरेज पर चले जाने के बाद .dwd फोल्डर को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको लास्ट को टी करके एक फोल्डर लिखने को मिल जाएगा। टी के फोल्डर जाकर पेस्ट कर लेना है दोस्तों। सो मेरा पहले से पेस्ट है, मैं ऐसे फिट कर लेता हूँ। सो गाइस, हमारा थीम अप्लाई हो चुकी है दोस्तों। आपको बैकग्राउंड से सारी ऐप रिमूव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद अपना थीम स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लोकल पर चले जाना है दोस्तों। उसके बाद लोकल थीम पर चले जाना है दोस्तों। सबसे ऊपर वाली थीम आ चुकी है दोस्तों, जो है रियलमी UI 8T। सो मैं यहाँ से थीम को अप्लाई कर लेना दोस्तों। आप भी अप्लाई कर लेना दोस्तों। थीम अप्लाई हो चुकी है दोस्तों, सारे चेंजेस हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहले चेंजेस की बात करें इस थीम का आइकॉन्स आपको कंप्लीट रियलमी GT की तरह देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आपका फंटा चॉइस 11 नहीं है, फंटा चॉइस 11 वेलो है, तो फिर आपको 5G देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर डायलर वगैरह भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी डायलर देखने को मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं इस टीम के कॉन्ट्रैक्ट UI के लेकर। अगर आपका फंटा चॉइस 11 है तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट UI चेंजेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो UI से ही पहले से ही चेंजेस है। अब बात करते हैं इस टीम के सेटिंग UI को लेकर। अगर आपका फंटा चॉइस 11 नहीं है या है, सारे के सारे डिवाइस में ये वर्किंग देखने को मिलता है दोस्तों। काफ़ी अच्छे से मॉडिफाई देखने को मिलता है दोस्तों। सारा का सारा आइकन ऐसे मॉडिफाई देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आपका फंटा चॉइस 11 है तो भी देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ से अगर हम जाते हैं सिस्टम अपडेट में, तो फिर आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। अगर हम जाते हैं अबाउट फोन में, तो फिर आपको बहेंगे पुराना लोगों ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए दोस्तों। अगर आपका फंटा चॉइस 11 नहीं है तो फिर आपको UI वगैरह चेंजेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस थीम के जो ऐप ड्रॉ भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जो आइकॉन्स है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वॉलपेपर वगैरह भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप स्टॉक की प्रो में जाकर चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस थीम की कंट्रोल पैनल भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। अगर आपका फंटा चॉइस 5 एवो है तो फिर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पासवर्ड आपको साइड में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं इस थीम की लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन में आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा, बस आपको लॉक स्क्रीन पोस्टर देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आपका लॉक स्क्रीन पोस्टर नहीं है तो फिर आपको आई बटन में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पर टाइप करके आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पोस्टर वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। देखने के बाद आप लॉक स्क्रीन पोस्टर अर्न कर पाएंगे दोस्तों। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट थीम किस टॉपिक पर बनाई जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पार्ट 1 फिंगरप्रिंट थीम पसंद आया होगा।